मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आज मध्य प्रदेश बंद का आह्वान किया गया था। बंद को लेकर आदिवासी बहुल झाबुआ और अलीराजपुर जिले में कुछ स्थानों पर बंद कामयाब रहा तो कुछ जगहों पर कांग्रेस बंद नहीं करवा पाई। हाट बाजार होना भी एक इसकी बड़ी वजह थी। आज के इस राउंड अप में हम आपको बताते हैं कि दोनों जिलों में कहाँ पर बंद कामयाब रहा और कहाँ पर बंद नहीं हो पाया। शुरुआत करते हैं जहाँ पर बंद कामयाब रहा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जिला मुख्यालय झाबुआ की है। झाबुआ में सुबह से ही युवक कांग्रेस से जुड़े हुए लोग बंद को के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। व्यापारियों से आह्वान करके उन्होंने बंद करवाना शुरू किया। करीब करीब 9 बजे तक झाबुआ में सारी दुकानें बंद थी और करीब 1 से 1.5 बजे तक ये बंद कामयाब रहा। इसी दौरान बीजेपी के भानु भूरिया के साथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की बहस भी हुई। भानु भूरिया ने अपने स्तर पर कुछ दुकानों को भी खुलवाया, लेकिन कुल मिलाकर जिला मुख्यालय लगभग बंद ही रहा। सुनिए इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना था। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए पेट्रोल के भाव जो है 100 रुपये के ऊपर पहुंच गए हैं, उसके लिए हमने बंद किया है। वैसे केंद्र सरकार बेलगाम होती महंगाई को काबू में नहीं पा रही है, निश्चित ही उसका विरोध आम जनमानस में और व्यापारियों में है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से महंगाई कम होना चाहिए। वो अपने अपने स्तर से जवाब दे रहा है, लेकिन आज इस बंद को जिस तरह से जनता ने समर्थन दिया है, व्यापारियों ने समर्थन दिया है, निश्चित वो भी इस महंगाई से परेशान हो चुकी है और वो भी इस बंद को समर्थन देके अपना विरोध दर्ज करा रही है। हमको ये मालूम पड़ा कि कांग्रेस ही कुछ 10-12 मोटरसाइकिल से घूम के हमारे व्यापारियों को डरा के उनकी दुकानें बंद करवा रहे थे। भाई हमने बोला जो व्यक्ति अपनी दुकान का मालिक है वो स्वेच्छा से दुकान खोल रहा है तो तुम बंद करवाने वाले होते कौन है। हम जो व्यक्ति स्वेच्छा से दुकान खोल रहे हैं हम उनके समर्थन में खड़े हैं, जबरदस्ती हम किसी की दुकान बंद नहीं होने देंगे। अब आपको लिए चलते हैं जिला मुख्यालय अलीराजपुर में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अलीराजपुर बंद की है। महेश पटेल जिला कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर व्यापारियों ने पूरी तरीके से बंद को समर्थन दिया और करीब 1 बजे तक अलीराजपुर जिला मुख्यालय भी बंद रहा। ये तस्वीरें अलीराजपुर की हैं। और पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में, बढ़ती कीमतों के विरोध में अलीराजपुर जिला यहां पर बंद के साथ दिखाई दिया। अब आपको जोबट की तस्वीरें बताते हैं। जोबट में भी बंद कामयाब रहा। करीबन 12:30 बजे तक यहां पर व्यापारियों ने बंद को समर्थन देते हुए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखा। जोबट के बाद जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये आज़ाद नगर की हैं। आज़ाद नगर में भी बंद को समर्थन मिला और बंद के दौरान किसी भी तरीके की दुकान नहीं खुली। कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर ज्ञापन दिया और उसके बाद बंद समाप्त हुआ। झाबुआ जिले की अगर हम बात करें तो खवासा में 10 बजे तक बंद का आह्वान किया गया था, क्योंकि त्योहारों का सीजन है इसलिए व्यापारियों ने आंशिक समर्थन दिया और 10 बजे यहाँ पर बंद खोल दिया गया। यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है वो सुन लीजिए। कैसे चलेंगे इस रेट में? पेट्रोल का रेट कहाँ जा रहा है? रहा गैस का मामला, जो सब्सिडी लोगों को मिलती थी वो भी बंद हो गई, अब सब्सिडी का मामला भी नहीं आ रहा। और मोदी जी कह रहे थे कि महिला का सम्मान, अरे पुरुषों सम्मान है, जो आज गैस के रेट कहाँ जा रहे, लोग कैसे चलेंगे काम। इसके अतिरिक्त बंद को अलीराजपुर जिले के वालपुर में भी समर्थन मिला। यहाँ भी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहे, हालांकि दोपहर 12 बजे तक ये बंद समाप्त हो गया। झाबुआ जिले के काली देवी में भी बंद को समर्थन मिला। यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान व्यापारियों ने बंद के समर्थन में अपने कारोबार को बंद रखा। इसके अलावा बड़ी तस्वीरें आप देखिए, ये झाबुआ जिले की पेटलावद से हैं। पेटलावद में सुबह से बंद को व्यापारियों ने समर्थन दिया। करीब 1 बजे तक यहां पर सारी दुकानें बंद रही। उसके बाद ज्ञापन कांग्रेस की ओर से दिया गया, जिसके बाद धीरे धीरे बाजार खुलने लगा। तो यहां कहा जा सकता है कि ये सारे वो जगह हैं झाबुआ अलीराजपुर जिले की जहां पर बंद को समर्थन मिला। अब आपको बताते हैं वो तस्वीरें जहाँ पर बंद को समर्थन व्यापारियों ने और जनता ने नहीं दिया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जगह हैं राणापुर, बामनिया और मेघनगर। दरअसल शनिवार है और हाट बाजार के चलते यहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहे। ग्रामीण बड़ी तादाद में हाट बाजार में पहुँचे और उन्होंने खरीदारी की और यहाँ पर कुल मिलाकर इसका असर नहीं देखा गया। यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी और बाज़ारों में रौनक दिखाई दी। इसके अलावा अलीराजपुर ज़िले के उमराली में, बरझर में भी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहे।
थांदला और थांदला रोड में भी बंद को समर्थन नहीं मिला। यहाँ पर शायद कांग्रेस की ओर से कोशिश नहीं की गई थी, नतीजा व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान खुले रखे और बंद को विफल कर दिया। इसी तरीके से झाबुआ जिले के सारंगी में भी बंद को समर्थन नहीं मिला और यहाँ पर व्यापारियों ने अपनी दुकानें खुली रखी और यही खबरें अलीराजपुर के उमराली और नानपुर से भी हैं। नानपुर में भी हाट बाजार के चलते व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहे और यहाँ पर जमकर व्यापार हुआ। तो ये एक राउंड अप था जिसके जरिए हमने आपको बताया कि झाबुआ अलीराजपुर ज़िले के तमाम कस्बों में और बड़े गांवों में कांग्रेस द्वारा बुलाए गए बंद को कितना समर्थन मिला, कितना नहीं मिला। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 50% से ज़्यादा गाँव और कस्बे खुले रहे और 40% के आसपास ही कस्बे और गाँव में बंद कामयाब रहा। टीम झाबुआ अलीराजपुर लाइव।